नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे आईटीआई वाले विद्यार्थियों ने मुझसे यह बात रिक्वेस्ट की है जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, मैं आप में से जो है बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिस बच्चे को लगता है कि ये वीडियो इररिलीवेंट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं के यहीं स्किप कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल के माध्यम से किसी आईटीआई वाले विद्यार्थी का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, उसी टॉपिक पर जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे आईटीआई करते हैं, आईटीआई की संख्या भी आप लोगों को पता ही है कि कितनी हो रखी है। और यहाँ पर उन लोगों के माइंड में एक सवाल रहता है कि सर, हम जो है आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्या हमें अप्रेंटिसशिप मिल सकती है अगर हमारी परसेंटेज 10th में जो है 50 से कम है। सर हमारी 40% है, सर हमारी 45 है, सर हमारी 43 है, क्या हमारी 35% पे अप्रेंटिसशिप में मिल सकती है, क्या हमें गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप में। तो ये सारी बातें जो मुझे क्लियर करनी है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि सर, हमारा जो क्राइटेरिया होता है प्राइवेट अप्रेंटिसशिप का और जो है गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप का, वो सेम होता है क्या, हमें सेम बेनिफिट मिलेगा, सेम चीज़ें सिखाई जाएगी, सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो भाई, बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं, सबसे पहले बता दूँ कि जब आप वहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं ना, तो बोलते हैं कि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करो, एक तरीके का इंटर्नशिप ही होता है अप्रेंटिसशिप, आप यहाँ से ट्रेनिंग लो, हम जो है आप लोगों को नौकरी दे देंगे। तो इस तरीके के जो है विभाग बने हुए हैं जो आप लोगों को इस तरीके का बेनिफिट देते हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट मना भी कर देते हैं और कुछ जो है यहाँ पर है भी जो आप लोगों की मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है एडमिशन की, अप्रेंटिसशिप की। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को जो है अच्छी परसेंटेज चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई रिटर्न तो होता नहीं है, आप लोग की परसेंटेज के बेस पर सिलेक्शन होता है। प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में 33% वाला बच्चा भी जा सकता है। आप लोगों को पता है आजकल जो चर्चित है वो हमारी मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी में इजीली आप लोगों को जो है अप्रेंटिसशिप मिल जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें से कुछ प्राइवेट है और कुछ जो है आप लोगों के PSUs हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन उन पर गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है कितना नहीं है ये सब आप लोगों को भली भांति पता ही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्राइवेट में जो आप लोगों को सिखाया जाता है वैसा ही गवर्नमेंट में सिखाया जाता है। ये तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को किस प्रकार सिखाए। बहुत सारे प्राइवेट विभाग है जो अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेन कर देते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी आप लोगों को ट्रेन नहीं करते, आप लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है, कुछ सिखाया नहीं जाता। इसके बाद मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे के हालात आप लोगों को पता है, कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या कंडीशन वहाँ पर अभी चल रही है। बहुत बार वीडियो भी बनाई है, देखो रेलवे में अप्रेंटिसशिप की क्या कंडीशन है, लेकिन सारे नहीं है। बहुत सारे जोन ऐसे भी हैं जो अच्छे तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरा जो मेन मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को बताने का वो यही है कि अगर आप कम परसेंटेज में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको गवर्नमेंट में मिलेगी नहीं। अब प्राइवेट में आप लोगों को 100% चांस है कि प्राइवेट में आप लोगों को अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, लेकिन अब वो अच्छा विभाग है बुरा विभाग है ये आप लोगों को कैसे पता करना है। देखो भाई, जो बच्चे पहले से उस प्राइवेट विभाग में अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या नौकरी कर रहे हैं ना, प्लीज़ उनसे आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है भली भांति जान पाएंगे कि ये कितना सही विभाग है और कितना गलत विभाग है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को इतना समझा नहीं पाऊंगा जितना जो है वो लोग आप लोगों को समझा पाएंगे। प्राइवेट विभाग बहुत सारे अच्छे भी हैं, मैंने पहले भी बताया, और बहुत सारे बुरे भी हैं, तो ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर वन हिट लिस्ट में जो अभी प्राइवेट विभाग आता है वो आप लोगों का मारुति सुजुकी आता है। मारुति सुजुकी की जो फीडबैक है, फीडबैक अच्छे हैं, वहाँ पे अच्छा स्टाइफंड मिलता है, और बहुत सारे मारुति सुजुकी के जो जोन है वो आप लोगों को खाने पीने के लिए भी दे देते हैं, ट्रैवल अलाउंस भी दे रहे हैं। तो अभी जो चर्चित है वो आप लोगों का मारुति सुजुकी है। इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे भी हैं मारुति सुजुकी के अलावा जो बच्चों को, जैसे पैनासोनिक में बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, इसके अलावा एक जो है कैंट की कंपनी है उसमें बच्चों के साथ बुरा हुआ, मतलब उनको फील्ड पर भेजा जा रहा है अप्रेंटिसशिप के नाम पर। तो आप लोगों की ट्रेड कौन सी है, ट्रेड के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें सिखाई जा रही है नहीं सिखाई जा रही है आप लोगों को देखना पड़ेगा। अंत में एक चीज़ और बोलूँगा, देखो भाई अप्रेंटिसशिप करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपनी ट्रेड के बेस पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेड के बेस पे अप्रेंटिसशिप करोगे ना तो आप लोगों को सिखाया जाएगा, लेकिन सिखाना जो आप लोगों को जा रहा है वो उस विभाग में उस डिपार्टमेंट में सही जा रहा है या गलत जा रहा है ये आप लोगों को पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार अप्रेंटिसशिप कर ली ना और उसे बीच में छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे अप्रेंटिसशिप करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने में कंपनियां बहुत बड़े नखरे दिखाती है। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस यही था यार, प्राइवेट अप्रेंटिसशिप किसको मिल सकते हैं किसको नहीं मिल सकती मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट अप्रेंटिसशिप जो होती है उन पर जो है चीज़ें स्टार्ट कर दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर जो है चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट हैं, मतलब कुछ कंपनीज़, देखो झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, कुछ कंपनीज़ बोलती है कि सर आप 10,000 ले लो और हमारे जो है विभाग को प्रमोट कर दो। तो ऐसा कोई विभाग जो मुझे इस तरीके का काम देता है वो तो मैं कभी करूँगा नहीं। मैं कुछ ऐसे विभाग की ही अप्रेंटिसशिप आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर आपको बेनिफिट होगा ऑब्वियस सी बात है मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोग जो मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे। मैं कभी भी उस तरीके के विभाग की अप्रेंटिसशिप नहीं लेकर आऊँगा जिससे आप लोगों को नुकसान हो। बस मेरी तरफ से यही है, धन्यवाद, कीप इन टच, और किसी तरीके की समस्या है कमेंट बॉक्स से मेंशन करो। बाकी मैं क्लैरिटी आप लोगों को दे चुका हूँ अच्छे तरीके से। धन्यवाद।